दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में कि कंपोजिशन स्कीम के लिए अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी और ये देखना होगा कि क्या आप एलिजिबल हैं कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने के लिए या क्या आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कंपोजिशन स्कीम के लिए कौन कौन पर्संस मींस अगर बात की जाए टैक्स पेयर कौन है जो एलिजिबल हैं और ऐसे कौन से टैक्स पेयर हैं जो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेंगे। दोस्तों इससे पहले आपको टैक्स कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आप ज़रूर देख के आएँ। इसके जस्ट पहले एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कंपोजिशन स्कीम से लेकर के क्या अनाउंसमेंट आई है अभी जीएसटी पोर्टल पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हमारा इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में कंपोजिशन स्कीम की वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि उस टैक्स पेयर की टर्नओवर कितनी है, मींस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिसकी जितनी उसकी सेल है उसका टोटल अमाउंट कितना है। अगर वो 1.5 CR मींस 1.5 करोड़ से अगर वो एक्सीड कर रही है तो वो कंपोजिशन में नहीं जा पाएगा। मींस आपको अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो उसे 1.5 CR से बिलो ही टर्नओवर काउंट करना होगा। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कुछ ऐसे स्टेट्स आपके स्पेसिफाइड हैं जहां आपको कुछ लिमिट में डिडक्शन मिली है, आप एक तरह से कह सकते हैं छूट मिली है कि 1.5 CR वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता है। वो स्टेट्स हैं आपके असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। इन सारे स्टेट्स में आपको 75 लाख तक का टर्नओवर काउंट करना है। मींस अगर बिलो 75 लाख आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। दोस्तों तीसरी कंडीशन की बात करें तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज या वो मिक्स्ड सप्लाई देता हो, या तो वो सप्लायर ऑफ सर्विस देता हो या फिर मिक्स्ड सप्लाई प्रोवाइड करता हो, तो उस केस में आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो अप टू 50 लाख है। अगर आप बिलो 50 लाख में आ रहे हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। मींस अगर हम देखें तो एलिजिबिलिटी के लिए केवल तीन कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, या तो आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और 1.5 CR आपका मींस उससे बिलो में आपका टर्नओवर है। सेकंड कंडीशन, आप कुछ ऐसे स्टेट्स में आते हैं जो कि मैंने आपको बताया स्पेसिफाइड स्टेट्स में आते हैं और उनका टर्नओवर 75 लाख तक है। तीसरी कंडीशन, आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं के क्राइटेरिया में आते हैं और आपका टर्नओवर अप टू 50 लाख है। ये तीन एलिजिबिलिटी अगर आप पूरी करते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसी के जस्ट बाद अगर हम इन एलिजिबिलिटी की बात करें, मींस कि आप किस केस में एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, तो वो पहली कंडीशन आएगी आपकी टर्नओवर क्रॉस हो चुकी है, उस केस में आप कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरी कंडीशन आपकी आएगी अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, तो इंटर स्टेट सप्लाई कंपोजिशन में बिल्कुल ही मना है, मींस उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया जाता है इंटर स्टेट सप्लाई का, तो भी आप नहीं आ सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में। तीसरी पॉइंट आपका आता है कि आप कैजुअल टैक्स पेयर हैं, आप एक कैजुअल टैक्स पेयर के कैटेगरी में आते हैं तो भी आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। चौथी बात अगर मैं आपको बताऊँ उसमें है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। ऐसी ही कुछ लिमिट्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं कि हाँ आप कंपोजिशन स्कीम से बाहर हैं, और आप या तो नेक्स्ट ईयर आप ऐसा ऑप्ट करें कि इस ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर आपका टर्नओवर कम हो जाता है, या फिर अगर आप किसी और क्राइटेरिया में फॉल कर जाते हैं जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है तो आप कंपोजिशन को नेक्स्ट ईयर से ऑप्ट कर पाएंगे, नहीं तो आप कंपोजिशन में नहीं जा सकते हैं। ये थी कुछ एलिजिबिलिटी और इनएलिजिबिलिटी से बात कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड। बाकी की वीडियोस जो भी आने वाली अपडेट्स हैं रेगुलर जीएसटी पे या फिर और कोई जीएसटी की सीरीज़, जैसे मैंने अभी कैंसिलेशन की जीएसटी की सीरीज़ बनाई थी, उसको आप वीडियो को आप सेम यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल से हमारे जुड़ें जिससे आपको आगे आने वाली रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। मैंने बहुत सारी जीएसटी की वीडियोज़ बनाई है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की, और नए फॉर्म्स को लेकर भी वीडियोज़ बनाई है, आप उसको हमारे इस सेम यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं।
इससे जस्ट पहले मैंने कंपोजिशन की भी कुछ वीडियो बनाई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप उस पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं। आगे के लिए थैंक्स, हमें आप फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर।